रायगढ़ के तंगनार ब्लॉक में कंपनियों की दादागिरी देखने को मिली, जहां हिंडालको कोल ब्लॉक द्वारा जंगलों के अवैध अंधाधुंध कटाई की जा रही है। लगातार ग्रामीण इसका विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन ग्रामीणों की कोई नहीं सुन रहा। इसको लेकर प्रशासन भी बेखबर नजर आ रही है। बेहद ही मार्मिक है जिस तरीके से जंगल में उगे पेड़ की कटाई की जा रही है। हजारों एकड़ में जंगलों को हिंडालको कंपनी द्वारा अपने स्वार्थ के लिए नष्ट कर रहा है। इसके लिए ग्रामीण जन कलेक्टर में आकर ज्ञापन भी सौंपा। ग्रामीणों का कहना है कि हिंडालको कंपनी अपने निजी स्वार्थ के लिए जंगलों की कटाई कर रहा है। जंगलों से ही हमारी रोजी रोटी है। हिंडालको हमें कुछ नहीं देती और ना ही हिंडालको से हमें कुछ चाहिए। हमारे जंगल हमारा रोजगार का प्रमुख स्रोत है। जंगल में उगे पेड़ पौधे और फलों से हमारा रोजगार और गुजारा चलता है। अगर जंगल ही नहीं रहा तो आखिर हम कैसे जिएंगे। मामले को लेकर कलेक्टर में ज्ञापन सौंपा गया है और इस पर उचित कार्रवाई करने की मांग भी की गई है। पंचायतों के 1200 एकड़ जंगल उजड़ने वाला है, तो इसमें ग्राम सभा में आपत्ति पहले ही कर चुके हैं हमारे सभी ग्रामवासी। फिर भी अभी पेड़ों की गिनती चल रही है, जो ओपन कास्ट करने के लिए हिंडालको 4x4 और 4x5 माइंस है हिंडालको कंपनी का, तो पेड़ काट के वहाँ ओपन कास्ट करने की इनकी मंशा है, जिससे हम कदापि जमीन हम देना नहीं चाहते। जंगल हमारा जीवन है, उसी से हमारा आश्रित है। उसमें ना जाने कितने जीव हैं, हाथी से लेके हिरण, बहुत प्रकार के अन्य जीव हैं उसमें, और मुर्गा पार जो हमें वहाँ देवता स्थल मानते हैं, सत हमारे पूर्वजों से वहाँ मानते आ रहे हैं, आस्था का केंद्र है वहाँ हमारा, हद बिन माथा टेकते हैं, और वो भी उजड़ जाएगा। और हमारे यहाँ किसान कंपनी से आश्रित नहीं है ज़्यादा, हम तेंदू चार मऊहा इससे आश्रित हैं, इससे हमारा पीढ़ी चलता है, इससे हमें बच्चे की शादी करना रहता है घर परिवार में, तो उससे करते हैं मऊहा तेंदू चार बेच के, ना कि हम कंपनी के काम करके। हमें कंपनी काम नहीं देती और वो भी हमारा छीन लिए, जमीन छीन लिया, घर जबरदस्ती फोड़ चुका है कंपनी, तो अब हम कहाँ जाएं, कैसे जीवन यापन होगा हमारा, ये हमारा चिंता है। रात को नींद नहीं आ रही हम लोगों को, कैसे करेंगे, हमारा जंगल उजड़ गया है, सब उजड़ जाएगा, तो हम रात को सो नहीं पा रहे हैं जितने ग्रामवासी हैं, कैसे जीवन यापन। इसी के लिए कि हम कलेक्टर DFO सबके पास आए हैं, SP साहब के पास गुहार लगाने की, हमें बचाओ जंगल को बचाओ कह के। पेड़ लगाओ कह के तो आज सरकार बहुत कहती है, लेकिन आज पेड़ जंगल को उजाड़ने के लिए सब आगे आ गए हैं जितने प्रशासन, तो हम कैसे करें। तमनार ब्लॉक कोड़केल मिलूपार ऐसे हिंडालको एक कुल ब्लॉक है, वहाँ से 1200 एकड़ पूरा जंगल भूमि में वो काबिज करना चाह रहा है, पेड़ की गणना करना चाह रहा है, लेकिन हम लोग उसको मना कर रहे हैं कि ग्राम सभा से तो हम लोग अविश्वास प्रस्ताव उसको दे ही चुके हैं, तो ग्राम सभा का उल्लंघन किया जा रहा है और 1200 एकड़ में जमीन में हिंडालको को कब्जा दिया जा रहा है, ये अवैध है। इसलिए हम लोग यहाँ शासन प्रशासन को अवगत कराने के लिए ग्राम सभा का प्रस्ताव लेके हम लोग आए हैं यहाँ देने के लिए। शासकीय जमीन पर रहे पेड़ पौधों को हिंडालको द्वारा अवैध कटाई की जा रही है, अवैध कटाई करने का प्रयास किया जा रहा है। अभी तो गणना के लिए वहाँ चिन्हांकित किया जा रहा है, लेकिन उसको हम लोग पूरा आसपास के सारे ग्रामीणों ने मना किए हैं। वहाँ जब तक ग्राम सभा का प्रस्ताव हम लोग दिए हैं, उसका जब तक उसका पूर्ण रूप से उसके बारे में कोई विचार नहीं किया जाएगा, तब तक हम वहाँ गणना करने नहीं देंगे कह के हम लोग वही आशा के साथ में आए हैं। मेरा नाम कन्हैराम पटेल है। रायगढ़ से रंजीत चौहान की रिपोर्ट।